दुनिया का मॉनिटर कौन है? मॉनिटर यानी कोई ऐसा जो झगड़ा करने वाले देशों को शांत कराए, जो इतना पावरफुल हो कि उसकी बात हर कोई माने और फिर वो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर पाए। इस क्लास मॉनिटर को हम जियोपॉलिटिक्स में सुपर पावर कहते हैं। 21वीं सदी में सिर्फ एक ही ट्रू सुपर पावर है, अमेरिका। लेकिन बहुत जल्द चाइना अमेरिका को धक्का मारकर खुद सुपर पावर बनने जा रहा है और इसका प्रूफ इस फोटो में है। ये है सऊदी अरेबिया और ईरान की लीडरशिप, जिनकी 7 सालों बाद दोस्ती हो गई है चाइना की वजह से। ये इवेंट देखने में तो माइनर लगता है, लेकिन ये चाइना के मास्टर प्लान की शुरुआत है। ये है हमारी नई सीरीज चाइनीज विस्पर्स, जहां हम चाइना की ग्लोबल स्ट्रेटेजी को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे और एक आसान भाषा में आपके सामने लाएंगे। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। चैप्टर 1, सऊदी और ईरान की रिलेशनशिप। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों है तो मुस्लिम देश, लेकिन उन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ईरान में मेजरली शिया मुस्लिम्स है और सऊदी में मेजरली सुन्नी मुस्लिम्स। इन दोनों ग्रुप्स में सदियों से फाइट चली आ रही है। अब ये वीडियोस देखिए। ये है सऊदी अरेबिया, जहां लड़कियां बिना हिजाब के स्कूल में बैठी है साइंस सीख रही है। और ये है ईरान, जो एक सेक्युलर देश था, जहां बीच पर बिकिनी पहनना उतना ही कॉमन था जितना आज के किसी यूरोपियन देश में होगा। कहने का पॉइंट यह है कि 1960s में धीरे धीरे मिडिल ईस्ट मॉडर्न वैल्यूज को अपना रहा था। फिर कुछ देशों ने यू टर्न क्यों ले लिया? अचानक से कुछ देश कंजर्वेटिव कैसे बन गए? कहानी है 1979 की। सऊदी अरेबिया में कुछ रेबल्स ने मक्का पर ही अटैक कर दिया। इन रेबल्स का ये कहना था कि सऊदी के रॉयल्स ट्रेडिशनल इस्लाम से दूर जा रहे हैं, करप्ट हो चुके हैं। सऊदी की आर्मी ने इन रेबल्स का जमकर सामना किया और फाइनली फ्रांस की मदद से उन रेबल्स को हराया। लेकिन उन्होंने एक गहरा घाव सऊदी और पूरे मिडिल ईस्ट पर छोड़ा। सऊदी की लीडरशिप को ये समझ गया कि लोग अभी मॉडर्नाइजेशन के लिए रेडी नहीं है। अगर सऊदी बहुत फास्ट मॉडर्नाइज हो गया तो ऐसे ही रेबल्स बार बार अटैक करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया और कुछ ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज अपनाए। ईरान में भी 1979 यानी सेम साल में कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान में मोनार्की थी, लेकिन 1979 में एक रेवोल्यूशन हुआ। तब तक उनके राजा को वेस्ट का सपोर्ट था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद आयतोला खोमेनी पावर में आए। उन्होंने सेक्युलर ईरान को बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस चेंज के बाद दोनों देशों ने अपने कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज दुनिया भर में स्प्रेड की, लेकिन उन दोनों के रिलेशंस खराब होते गए तेल की वजह से। सऊदी में सबसे ज्यादा तेल शिया एरियाज में था और ईरान में सबसे ज्यादा तेल सुन्नी एरियाज में। तो दोनों देशों ने अपने अपने देश की माइनॉरिटीज पर अटैक किए और उन्हें परसिक्यूट किया, उन्हें दबाया और कंट्रोल करने की कोशिश की। इस मोमेंट के बाद सऊदी और ईरान के रिलेशंस खराब हो गए। इसके बाद 21वीं सदी में पूरे अरब वर्ल्ड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इन दोनों देशों ने अपोजिंग साइड्स को सपोर्ट किया। एग्जांपल के तौर पर लेबनान में सऊदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है तो ईरान हेजबोला रिबेल्स को। सीरिया में सऊदी ने रिबेल्स को सपोर्ट किया और ईरान ने बशर अल असाद गवर्नमेंट को। यमन में भी सऊदी सरकार को सपोर्ट करता है और ईरान हूती रिबेल्स को। 2019 में यमन के रेबल्स ने सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल्स छोड़े और सऊदी का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे करते करते अरब दुनिया के ये दो ऑयल के महारथी एक दूसरे से दूर होते गए, जब तक चाइना बीच में नहीं आया। अब चाइना ने ये चमत्कार करके दिखाया। चाइना ने इन दोनों देशों की दोस्ती करवा दी, जो पूरे अरब वर्ल्ड के लिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। चाइना ने इन दोनों लीडर्स को साथ बुलाया, 6 दिन के लिए जमकर नेगोशिएशंस किए और दोनों को कन्विंस कराया कि ये दोनों देश एक दूसरे पर किसी तरह के अटैक्स नहीं करेंगे और पूरे अरब वर्ल्ड में शांति बरकरार रखेंगे। चैप्टर 2, गुड बाय अमेरिका। पहले ये सारा काम अमेरिका करता था, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट में पीस लाने में नाकामयाब रहा है। इनफैक्ट उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया है। अमेरिका एक अच्छा क्लास मॉनिटर था ही नहीं। वेल, टू बी रियली ऑनेस्ट, अमेरिका को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि उनके देश की मिलिट्री लॉबी हर वॉर से प्रॉफिट करती है, तो पीस के समय वो पैसा कैसे कमाएगी? अगर आपके क्लास का मॉनिटर अच्छे से काम नहीं करता तो उसे फटाक से बदल दिया जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाइना में शी जिनपिंग 3री बार इलेक्ट हुए। अब चाइनीज पॉलिसी उनके थॉट्स की कार्बन कॉपी होगी। शी जिनपिंग एक थियोरी में विश्वास रखते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। वो कहते हैं कि जैसे ब्रिटिशों ने भारत पर कब्जा किया और इंडियंस को उनका गुलाम बनाया, वैसे ही चाइनीज जनता को भी ओपियम एडिक्ट बनाया। ब्रिटिश और जापानीज सेना ने चाइना पर बार बार हमले किए और 100 सालों के लिए चाइना को अपने पैरों तले दबाए रखा। 1949 में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, तब भारत की तरह चाइना भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। बट
नेवर अगेन। इस थियोरी के बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज चाइना मानता है कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, हैमर्स एंड नील्स। हैमर्स यानी जो डोमिनेट करते हैं और नील्स यानी जो डोमिनेट होते हैं। चाइना सोचता है कि अगर वो डोमिनेट नहीं करेगा यानी अगर हैमर नहीं बनेगा तो हमेशा हमेशा के लिए डोमिनेट होता रहेगा। चाइना तीन तरह से दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है, इकोनॉमिक डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस और डिप्लोमेटिक डोमिनेंस। रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट मिलिट्री डोमिनेंस का रास्ता अपनाया और हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया ने रशिया को विलेन बना दिया। अगर रशिया जीत भी जाता है फिर भी इतिहास में उन्हें एज अ विलेन ही दिखाया जाएगा। लेकिन चाइना है सुपर स्मार्ट। चाइना ये समझ चुका है कि अगर कोई वॉर बिना वेपन्स उठाए ही जीती जा सकती है देन व्हाई नॉट। आज सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाइना के पॉकेट में है। बच्चा बच्चा जानता है कि चाइना ने दुनिया को कोविड दिया लेकिन WHO चाइना का बाल भी बाका नहीं कर पाया है। चाइना के अगेंस्ट यूट्यूब वीडियोस बनाने पर फटाक से डिमोनेटाइज हो जाते हैं। यानी यूट्यूब जैसे अमेरिकन कंपनीज जो चाइना में तो ऑपरेट भी नहीं करते वो भी चाइना के इशारों पर ही नाचते हैं। तुर्की एक ऐसा देश जो मॉडर्न दुनिया में इस्लामिक लीडर बनना चाहता है वो भी उइगुर मुस्लिम्स के साथ चाइना जो करता है उस पर सवाल डर डर कर उठाता है। अब चाइना और अमेरिका के बीच एक इकोनॉमिक वॉर शुरू होने जा रही है, इनफैक्ट शुरू हो चुकी है, सेमीकंडक्टर वॉर। यानी आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, गाड़ियों में बनने वाली चिप्स चाइना और ताइवान बनाता है। इन सेमीकंडक्टर्स को जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। आज चाइना एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गया है कि वो सीधा यूरोप को धमकी दे सकता है कि बॉस अमेरिका जैसा कर रहा है वैसा मत करो नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चाइना ये अच्छी तरह से जान चुका है कि वेस्ट का डोमिनेंस खत्म हो रहा है, अब फोकस मिडिल ईस्ट पर, एशिया पर, अफ्रीका पर होने वाला है और वो इन एरियाज में से अमेरिका को हकालना चाहता है। अमेरिका ने 20वीं सदी में जिन देशों को युद्ध के अंधेरे में ढकेला उन देशों में शांति दूत बनकर चाइना उन्हें डिप्लोमेटिकली जीत रहा है। चाइना के मास्टर प्लान के बारे में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। यहां उन्होंने ये 5 पॉइंट सामने लाए, आप वीडियो पॉज करके उन्हें पढ़ सकते हैं। चाइना का फोकस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स और मिडिल ईस्ट पर होगा। चाइना UN के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में मदद करना चाहता है और अफ्रीकन यूनियन को फंडिंग देना चाहता है उनके इंडिपेंडेंट पीस कीपिंग के लिए। वो सारे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहता है। पूरा टेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है और भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट्स को इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से स्टडी करना चाहिए। गौर से देखें तो ये सारे वही रीजंस हैं जिन्हें आज तक अमेरिका ने इग्नोर किया, एक्सेप्ट इसमें से एक एरिया मिसिंग है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया यानी इंडिया, हमारा भारत। चैप्टर 3, इंडिया पर इम्पैक्ट। बेसिक मुद्दा यह है कि चाइना हमें एक कंपेटिटर मानता है। आज हम चाइना से प्रोग्रेस के मामले में मीलों दूर। एक फिगर बताता हूँ, पर कैपिटा GDP यानी हमारी टोटल GDP डिवाइडेड बाय आवर पॉपुलेशन। इससे पता ये चलता है कि भारत के हर इंसान के पास ऑन एन एवरेज हर साल कितना पैसा आता है। ये फिगर है कुछ $2,250 यानी $1,84,000 पर पर्सन पर ईयर। चाइना में यही सेम फिगर यानी पर कैपिटा GDP है $12,500 यानी हमसे 6 गुना ज्यादा। आज भारत 6% से ग्रो करता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर हम 10% से भी ग्रो करेंगे तो फिर भी हमें आज चाइना का पर कैपिटा GDP जितना है उतने तक पहुंचने के लिए 20 साल लगेंगे। रिमेम्बर, मैं आज चाइना जहां है उसकी बात कर रहा हूं। 2043 में चाइना और आगे होने ही वाला है। हम चाइना से पीछे है ये चाइना जानता है, फिर भी चाइना सिर्फ भारत को और भारत को ही एक थ्रेट मानता है। दुनिया में ऐसा और कोई भी देश नहीं है जो फ्यूचर में चाइना को टक्कर दे सकता है। इसीलिए चाइना बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। चाइना के हमारे साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आज चाइना पावरफुल है लेकिन सुपर पावर नहीं है। फिर भी हम हर साल करोड़ों रुपए लद्दाख और अरुणाचल को सुरक्षित रखने में खर्च करते हैं। आगे जाकर जब चाइना एक सुपर पावर बन जाएगा तब भारत क्या करेगा? उन सारे देशों से ट्रेड करना बंद कर देगा जो चाइना के पपेट्स बन चुके हैं या चाइना के सामने झुक जाएगा? ये सवाल भारत की लीडरशिप और हमारे फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को पूछने की सख्त जरूरत है। पार्लियामेंट में एक पैनल ने रिपोर्ट प्रेजेंट किया कि भारत को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को GDP का 1% देना चाहिए। जो फंड्स इस मिनिस्ट्री को मिलते हैं दैट इज 18,500 crores, वो बहुत कम है कंसिडरिंग उनका गोल टू इम्प्रूव इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। चाइना मैगलेव की रफ्तार से सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत आज भी पेटी इश्यूज में उलझा पड़ा है। समय आ गया है कि हम इस बात को समझें कि हमारे लिए असली चैलेंजेस इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं। आने वाले 10 साल
भारत के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं। हमें लॉन्ग टर्म की सोच कर चाइना के अगेंस्ट फर्मली खड़ा होना ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में हम हमारा आगे का मिशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आने वाले महीनों में हमारे वीडियोस का फोकस इन्हीं कोर इश्यूज पर होगा, ताकि हम दुनिया के बेस्ट आइडियाज आपके सामने ला पाएं और हमारे यूथ को नॉलेज से इक्विप कर पाएं। हमारा यूथ आगे जाकर यूपीएससी की एग्जाम देता है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर बनता है, कोई अपना बिजनेस खोलता है, कोई फॉरेन में जाकर बड़े कंपनी में मैनेजर बनता है। हमें उन तक ये आइडियाज पहुंचाने, ये है हमारा मिशन। अगर आप इस मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जियोपॉलिटिक्स का चेस बोर्ड रेडी है। सामने चाइना जैसा एक्सपर्ट खिलाड़ी है जो हमसे ज्यादा स्मार्ट और चालाक, और मानो या ना मानो भारत इस चेस बोर्ड पर अकेला, और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी चाइना के बारे में सीरीज तो चलती ही रहेगी, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान के बारे में जानना है, उनकी इकोनॉमी के बारे में समझना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। भारत के रोड्स सेफ क्यों नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।